कौन सी साइकिल खरीदनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं डायरेक्टली तो नहीं दूंगा, पर कुछ फैक्टर्स पे आपको एजुकेट करने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से आप अपने फिट और पर्पस के हिसाब से साइकिल खरीद पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक तरह का साइकिल बाइंग गाइड है जिसके थ्रू मैं आपको टाइप्स ऑफ साइकिल्स के बारे में बताऊंगा। इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल और सिंपल रखने के लिए मैं तीन कॉमन टाइप्स ऑफ साइकिल्स की बात करूंगा जिनमें सबसे ज्यादा डाउट होते हैं। वो तीन टाइप्स ऑफ साइकिल्स हैं रोड बाइक, माउंटेन बाइक और हाइब्रिड बाइक। सबसे पहले हम बात करते हैं रोड बाइक के बारे में। अब एक रोड बाइक बिल्ट होती है फास्ट राइडिंग के लिए। वो डिजाइन करी जाती है दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, एक है लाइट वेट होना और दूसरा है एरोडायनामिक्स। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ही उसकी स्पीड काफी अच्छी होती है स्मूथ स्ट्रेट रोड पे। अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो 99% ऑफ द रोड बाइक्स कार्बन फाइबर या एल्यूमिनियम की बनी होती है। इन दोनों मटेरियल्स की वजह से ही फ्रेम का वेट लाइट रहता है, लेकिन अगर आप कार्बन फाइबर को एल्यूमिनियम से कंपेयर करोगे तो कार्बन फाइबर थोड़ा और ड्यूरेबल होता है जिसकी वजह से बाइक थोड़ा और शॉक ले पाती है, और इसी की वजह से कार्बन फाइबर की बाइक्स थोड़ी और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अगर मैं वेट की बात करूँ तो एक रोड बाइक का वेट 7 to 9 kgs के बीच में रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रोड बाइक्स का हैंडल थोड़ा कर्ल्ड होता है। इसकी वजह से राइड के टाइम पे पोस्चर अग्रेसिव रहता है। अग्रेसिव पोस्चर का मतलब है 30 to 45 degrees का बेंड। इतने बेंड के वजह से ही एरोडायनामिक्स अचीव हो पाता है। उसके अलावा एक रोड बाइक के टायर्स थिन होते हैं और उसमें सस्पेंशन नहीं होता। रोड बाइक बनाई जाती है स्मूथ स्ट्रेट रोड पे राइड करने के लिए, मतलब आप उसको टफ या माउंटेनस टेरेन्स पे नहीं चला सकते। अगर रोड बाइक की एवरेज स्पीड की बात करी जाए तो वो थोड़े हाई रेंज में होती है, मतलब 25 to 35 kilometers per hour। रोड बाइक इतनी स्पीड अचीव कर पाती है लाइट फ्रेम, थिन टायर्स, नो सस्पेंशन और एरोडायनामिक्स की वजह से। रोड बाइक उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जो ऑलरेडी कुछ टाइम से साइकिलिंग कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है और वो और ज़्यादा स्पीड अचीव करना चाहते हैं। एक गुड क्वालिटी रोड बाइक का प्राइस शुरू होता है 20,000+ rupees से और लैक्स में जाता है। दूसरे टाइप की साइकिल है MTB या माउंटेन बाइक। अब MTB या माउंटेन बाइक को आप एक SUV से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उसका लुक थोड़ा बल्की होता है और उसके टायर्स थोड़े थिक होते हैं। MTBs बिल्ट होती हैं माउंटेनस टेरेन्स पे साइकिलिंग करने के लिए या रफ टेरेन्स पे साइकिलिंग करने के लिए, या उनको आप अनपेव्ड रोड्स पे भी साइकिलिंग करने के लिए ले जा सकते हैं। माउंटेन बाइक्स रोड बाइक्स के कंपैरिजन में हैवी होती हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं और 1% केस में कार्बन फाइबर की भी होती हैं। अगर मैं उनके एवरेज वेट की बात करूं तो वो 10 से 13 किलो के बीच में रेंज करती हैं। ऑलमोस्ट सारी माउंटेन बाइक्स के टायर्स थिक होते हैं, रगेड होते हैं टफ और रफ टेरेन्स को हैंडल करने के लिए। माउंटेन बाइक्स जिनमें सिर्फ फ्रंट में सस्पेंशन होता है उन्हें कहते हैं हार्ड टेल MTBs, और वो माउंटेन बाइक्स जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड सस्पेंशन होता है उसे कहते हैं फुल सस्पेंशन बाइक्स। जनरली MTBs का हैंडल स्ट्रेट होता है जिसकी वजह से राइडिंग पोस्चर 45 to 60 degrees तक वेरी करता है। MTBs को आप टफ टेरेन्स, अनपेव्ड रोड्स और स्ट्रेट रोड्स पे भी चला सकते हैं। MTBs की स्पीड, फ्रेम वेट, सस्पेंशन और थिक टायर्स की वजह से थोड़ी कम रहती है, समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 11 kilometers per hour, और उनकी मैक्सिमम स्पीड 20 kilometers per hour तक जा सकती है स्मूथ स्ट्रेट रोड्स पे। MTBs बिगिनर्स खरीद सकते हैं अगर उनको टफ टेरेन्स और स्मूथ स्ट्रेट रोड्स दोनों पे साइकिलिंग करनी है तो। गुड क्वालिटी MTBs का प्राइस स्टार्ट होता है 10,000+ rupees से। तीसरी टाइप की साइकिल है हाइब्रिड बाइसिकल, जो कि माउंटेन बाइक्स और रोड बाइक्स का क्रॉस है, मतलब आपको दोनों टाइप्स ऑफ बाइसिकल्स के फीचर्स मिलेंगे हाइब्रिड बाइसिकल में।
MTBs की तरह हाइब्रिड बाइक्स भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट भी MTBs के रेंज में ही होता है, विच इज 10 टू 12 kgs. हाइब्रिड बाइसिकल्स के टायर्स MTB से थोड़े थिन होते हैं और रोड बाइक से थोड़े थिक होते हैं, बट ग्रिपी नेचर के होते हैं. उसके अलावा हाइब्रिड बाइसिकल्स का हैंडल स्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से राइड के टाइम पे राइडिंग पॉस्चर 45 से 60 डिग्रीज तक वेरी करता है, जस्ट लाइक एन MTB. उसके अलावा हाइब्रिड बाइसिकल्स में कई बार फ्रंट सस्पेंशन भी आता है राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन अगर हाइब्रिड बाइक स्पीड के लिए बनाई जाती है तो उसमें सस्पेंशन नहीं होता. हाइब्रिड बाइक एक ऑलराउंड बाइक है जो कि स्मूथ स्ट्रेट रोड पे भी चलेगी और हल्के रफ टेरेन्स पे भी चलेगी. रोड बाइक की एवरेज स्पीड 18 से 25 किलोमीटर तक वेरी करती है स्मूथ स्ट्रेट रोड्स पे. MTBs की तरह बिगिनर्स हाइब्रिड बाइक भी खरीद सकते हैं अगर उनको इंडिया में सिटी टूर्स पे जाना है या हल्के रफ टेरेन्स पे साइकिलिंग करनी है, अनपेव्ड रोड्स पे साइकिलिंग करनी है. तो ये थी तीन मेन टाइप्स ऑफ साइकिल्स. बिगिनर्स हाइब्रिड्स या MTBs को खरीद सकते हैं, और थोड़े एक्सपीरियंस वाले साइकिलिस्ट अगर स्पीड के लिए साइकिलिंग करना चाहते हैं तो वो रोड साइकिल्स खरीद सकते हैं. और फाइनली अब मैं बात करूंगा साइकिल ब्रांड्स के बारे में. तो अगर आप एक ब्रांड न्यू साइकिल खरीद रहे हैं तो मैं तीन मेन ब्रांड्स सजेस्ट करता हूं इंडिया में, जो कि हैं B-Twin, फायरफॉक्स और मोन्ट्रा. इन तीन ब्रांड्स की साइकिल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, प्राइस रेंज भी काफ़ी एवरेज होता है, और उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी क्रेडिबल रहती है. तो ये था आज का हमारा वीडियो टाइप्स ऑफ साइकिल्स के बारे में. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में.